नमस्कार। हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई और भारत के अलावा हिमालय कितने देशों में फैला है। अगर आप वह वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हिमालय कितने भागों में बंटा हुआ है। दरअसल हिमालय चार भागों में बंटा हुआ है, जिन्हें ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आइए आपको सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में बताते हैं। इसे पार हिमालय भी कहा जाता है और क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा तिब्बत में है इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बत के अलावा जम्मू कश्मीर में भी ट्रांस हिमालय की पर्वत श्रृंखला हैं। इस ट्रांस हिमालय की चौड़ाई 32 किलोमीटर से लेकर 225 किलोमीटर तक फैली है, जबकि इसकी लंबाई लगभग 1000 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई की बात करें तो ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग 5330 मीटर है और सबसे ऊंचा चार गोंडिंग दर्रा है जिसकी ऊंचाई लगभग 5885 मीटर है। ट्रांस हिमालय की एक खास बात यह है कि यह हिमालय से भी पुराना है, जो ग्रेनाइट और ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। अब आपको ग्रेटर हिमालय के बारे में बताते हैं। सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा होने के कारण इसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, जैसे सर्वोच्च हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत चोटी एवरेस्ट के अलावा कंचनजंगा, नंदा पर्वत इसी ग्रेटर हिमालय में हैं। इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है। यह पाकिस्तान, भारत, नेपाल से लेकर सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है। अब बात करते हैं मध्य हिमालय की। इसे लघु हिमालय भी कहते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय से कम है। ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय का लगभग सारा हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए वहाँ ज़्यादातर हिस्सों में पेड़ पौधे और जानवर नहीं मिलते, लेकिन मध्य हिमालय में पेड़ पौधे, जंगल, जंगली जानवर बहुत संख्या में हैं। आप जाते हैं घूमने तो मध्य हिमालय ही ज़्यादातर जाते हैं। इस क्षेत्र में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जो पर्यटकों को लुभाने में मदद करते हैं। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के बीच है। यह हिमालय उत्तर भारत, नेपाल, पाकिस्तान, सिक्किम और भूटान तक फैला हुआ है। अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय मध्य हिमालय से भी कम ऊंचाई पर है, यानी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई अन्य हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से कम है। शिवालिक हिमालय को बाहरी हिमालय भी कहा जाता है, जैसे कि ग्रेटर हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 800 मीटर से 1200 मीटर के बीच है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, जो नेपाल, भारत से होकर उत्तरी पाकिस्तान तक जाती है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।
आगे भी हम हिमालय से जुड़ी जानकारियां, विश्लेषण और कहानियां आपको बताते रहेंगे। बस आपको हमारा यह चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है।